जय आयुर्वेद। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं शारीरिक क्रिया विज्ञान। तो क्रिया का मतलब होता है फंक्शन, शारीरिक का मतलब जैसा कि आप जानते हैं वो होता है बॉडी। तो फिजियोलॉजी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज क्रिया शरीर। तो इसका एक श्लोक है, क्रिया प्रतिपादयति शरीर इति क्रिया शरीर। उसके बाद शरीर का और एक श्लोक है, दोषो धातु मल मूलम शरीरम। तो बेसिकली शरीर जो है दोष धातु और मल में है। तो दोष जो है वो दो प्रकार का है, एक शारीरिक दोष है और एक मानसिक दोष है। शारीरिक दोष है वात पित्त एंड कफ। मानसिक दोष जो है वो दो प्रकार का है, एक है रज और एक है तम। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे धातु। धातु सात प्रकार का होता है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा एंड शुक्र। तो उसके बाद मल है। तो हमारे शरीर में तीन प्रकार का मल होता है, एक है पुरीष, एक है मूत्र और एक है स्वेद। तो इस ये जो हम पढ़े आज दोष धातु और मल, उसका मतलब कितना नंबर है वो हम तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसका डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए उतना ही और कल फिर पढ़ेंगे। बाय, नमस्ते।